आपको परफ्यूम की खुशबू से यही लगा ना कि ईमान आपके घर आ गई है? नहीं, ऐसी कोई बात। मैंने वैसे उनका सारा वार्डरोब देखा, इतने अच्छे अच्छे कपड़े रखे हुए उन्होंने, लेकिन मैंने कभी उन्हें कुछ पहने हुए देखा ही नहीं उसमें। हाँ, मुझे लगता था कि ईमान एक बहुत ही सादा नेचर की लड़की, शायद उसे मेरी चॉइस ही पसंद नहीं थी। लेकिन मुझे सब तो बहुत अच्छे लगे। अगर ईमान आप यहाँ पर होती ना, तो मैं उनकी इजाजत से कोई ना कोई पहन लेती। मैं जो भी अच्छा लगे तुम ले सकती। सरिश का वहां रहना मुनासिब नहीं है, उसे वापस बुला लेना चाहिए। रे, मैंने तो उसी दिन उसको फोन कर दिया था जिस दिन तुम्हारी आज से लड़ाई हुई थी, लेकिन उसने न मेरी सुनी न ताहिरा की। अंकल, अगर ईमान को आपकी कंडीशन के बारे में पता होता तो वो आपको जरूर कॉल करता। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, उसने तो मेरे घर को जन्नत बनाया है। और अब इस जन्नत में एक नन्ना फरिश्ता आने वाला है। जी अंकल, आप दादा बनने वाले हैं।